नमस्ते, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको एनिमल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एनिमल फोबिया रेबीज फोबिया के कारण जो प्रॉब्लम हो रही थी एक व्यक्ति को, वो वीडियो मैंने शेयर किया था। तो जैसे मैंने बताया, पेशेंट बहुत ही निराश था, बार बार उसको सुसाइडल आइडियाज आते थे, ब्रेकअप हो गया था, फाइनेंशियल इश्यूज थे। हालांकि पेशेंट बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और अच्छे पोजीशन में था, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों के कारण जो एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही छोटी है, लेकिन वो पेशेंट के लिए वो चीजें बहुत ही बड़ी थी। और जिसको बोलते हैं कि पेशेंट बोलता था हमें कि मेरा लाइफ पूरा नरक बन गया है, हेल हो गया है। पेशेंट को हमने सबसे पहले एडमिट किया। सबसे पहले हमारा काम यह था कि पेशेंट के दिमाग से जो निगेटिव थॉट्स है, जो निगेटिव बिलीव्स है, जो डिल्यूजन्स बैठ गए, जो भ्रम दिमाग में बैठ गया है, वो निकालना। वो हमने काउंसिलिंग के द्वारा किया। हमने दो तीन डॉक्टरों ने, अलग अलग डॉक्टरों ने मिलकर पेशेंट के साथ काउंसिलिंग की, पेशेंट का यह भ्रम तोड़ने की कोशिश की। पेशेंट को बिलीफ क्या है और मिसबिलीफ क्या है, रैशनल थॉट्स क्या है और इरेशनल थॉट्स क्या है, इस पे हमने काम किया। और पेशेंट को दो से तीन दिन में ये ध्यान में आने लगा पेशेंट को कि मैं जो बिलीव करता हूं वो रॉन्ग बिलीव्स है, मेरे जो थॉट्स है वो इरेशनल है। और धीरे धीरे फिर हमने पेशेंट के दिमाग में अच्छे थॉट्स डालना चालू किया। साथ ही में हमने एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी और सेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग, ये ट्रीटमेंट यूज की। हमने पेशेंट को एनिमल के सामने लाया और पेशेंट को यह दिखाया कि एनिमल आपके पास से गुजर रहा है, फिर भी आपको कुछ भी बीमारी होगी नहीं। और पेशेंट को यह ध्यान में आया कि वो हॉस्पिटल में है, कुछ भी उसको तकलीफ हुई तो हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो जिसको मैंने बोला फ्लडिंग, फ्लडिंग मतलब वो व्यक्ति जिसको कोई भी चीज से डर है, वो चीज को सामने लाना और पेशेंट का और वो चीज का आमना सामना करना, उसको हम बोलते हैं फ्लडिंग। और साथ ही में इंपॉर्टेंट ये था कि जो केमिकल्स, जो वायरिंग पैटर्न, जो न्यूरॉन्स साथ में जुड़ गए हैं, उसको डिसमेंटल करना, वो हमने किया मेडिसिन के द्वारा। जो आज भी मैं ये बोलता हूं कि आज भी वो प्रोसेस शुरू है। और धीरे 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 दवाइयों के सहारे पेशेंट का जो बीमारी है, जो डेल्यूजन है, जो फोबिया है, जो ओसीडी है, वो धीरे धीरे पेशेंट का ठीक हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 days ऑफ एडमिशन के बाद जब हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया, तो पेशेंट ने हमको ये रिपोर्ट किया कि 50% इंप्रूवमेंट मुझे 5 to 6 दिन में ही हो रहा है। हालांकि रेजिस्टेंट केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को ईसीटी की, मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की जरूरत पड़े। इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसी बीमारी जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ही रैम्पेंट है, बहुत ज्यादा प्रमाण में पाई जाती है, लेकिन इसका जो इलाज है वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट कर सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि ये करनी है, ये ब्लैक मैजिक है, किसी ने भूत बाधा किया है, और उसी के कारण ये जो पेशेंट है ये डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते और घरगुती इलाज करते रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, विद इन 5 days पेशेंट के पूरे बीमारी में 50% इंप्रूवमेंट, मतलब जिसको हम ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, ऐसा हुआ। और पेशेंट ने हमें प्रॉमिस किया कि 1 महीने बाद वो वापस आएगा और वापस हमसे ट्रीटमेंट कराएगा। ऐसी जो बीमारी है, जो लगती है बहुत डिफिकल्ट और है भी डिफिकल्ट, लेकिन अगर बराबर फॉलोअप किया, ट्रीटमेंट लिया, तो ये जो ओसीडी है, फोबिया है, ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। ये होने के कारण अनेक है। शायद जीन्स में आया होगा, शायद केमिकल्स में कुछ बदलाव आया होगा, या बहुत सी बार हमने ये देखा है कि बचपन में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस, ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हो जाते हैं जिसके कारण वो पेशेंट, वो व्यक्ति कुछ इंटरप्रिटेशंस बना लेता है और वो इंटरप्रिटेशंस दिमाग में फिट बैठ जाते हैं, और बाद में वो व्यक्ति को फोबिया होने लगता है, एंग्जाइटी होती है, ओसीडी होता है, और बाद में धीरे धीरे ये सब कुछ कल्मिनेट हो जाता है डिल्यूजन्स में, जो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाता है। ऐसे ये बीमारी ट्रीटमेंट के द्वारा, साइकेट्रिस्ट के थ्रू डेफिनेटली अच्छी हो सकती है। और डेफिनेटली अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति रहा, तो आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द से जल्द आगे का वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।